हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बारिश के सभी आनंद ले रहे होंगे। 3 4 दिन से बारिश लगातार है, रात भी पूरी रात हुई है। मतलब अभी भी हल्की हल्की हवा है, बारिश तो भी नहीं है पर हल्की हल्की हवा है। तो अभी टाइम हुआ है, अभी आज 10 बज गए हैं। तो अभी मेरा कुछ तो संडे है, तो मतलब ऐसे ही हम भी मैं भी आज लेट उठी। बच्चे लेट उठते हैं तो फिर उठकर, बाहर बारिश हो रही थी तो उठकर भी क्या करती, बच्चे भी नहीं उठते, ये भी नहीं उठते, ऑफिस नहीं जाते, तो मैं ही उठकर क्या करती जल्दी। तो मैं भी आज लेट उठी सोकर। तो अभी मतलब चाय वाय बन गई है मेरी, और मैंने आज लगाई थी मशीन कपड़े धुलने के लिए, तो मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। वैसे ये देखिए, ये रखा टब भरा और ये जुराब रखी है इधर, और ये चल रही है मेरी मशीन। तो आज मैंने कपड़े धोने की मशीन लगाई थी क्योंकि मौसम खराब है। तो क्या हुआ जी, कपड़े तो धुलने ही हैं। कपड़े इसलिए धुलने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए, और संडे भी था तो छुट्टी का दिन है। चलो सबके बच्चों के और इनके ऑफिस के जितने भी हैं सब धुल गए, बेडशीट भी। तो अभी मतलब मैंने मशीन लगा ली थी 7:30 बजे, ज़्यादा लेट भी नहीं उठी मैं। खैर तो 7:30 तक उठ गई थी मैंने। उठते ही सबसे पहले मशीन लगाई अपनी, और चाय मैंने पी ली थी बनाकर एक बार, क्योंकि मशीन में लग रही थी कपड़े निकालने में, तो एक बार चाय पी ली थी। अभी सर्दी हो रही है, कपड़े धुले हैं तो थोड़ी सी चाय और पी लेते हैं, और बनाई है अभी मैंने। तो ये मेरी चाय बन गई है। अभी जो बच्चे लेंगे या इनके पापा लेंगे तो वो ले लेंगे। पापा, चाय ले ली तुमने? ले लो, गाल दूं, ये दिखाऊं, धुआंधार। और ये देखो जी, अब है आधी तो अभी उठे ही नहीं है मेरी। अभी दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, अभी थोड़ी चाय पी के फिर झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी दोबारा से, और फिर दोबारा से मतलब पोछा तो पहली बार लगाऊंगी, और झाड़ू एक बार मैंने सुबह लगा दी है, अभी दोबारा लगाऊंगी। और मतलब थोड़ी चाय पी के और झाड़ू लगा के फिर पोछा लगा के, और जब नहाएंगे धोएंगे फिर खाने की कुछ तैयारी करेंगे। अभी तो पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह से कपड़े इनमें लगी थी तो सर्दी भी बहुत हो रही है। वैसे अगर धूप आ जाए तो हल्की हल्की धूप वैसे आ रही है, और ये देखो पीछे रोशनी, तो हल्की हल्की सी धूप आ रही है। अगर धूप आ जाएगी तो कपड़े छत पर गिर जाऊंगी तो वो सूख जाएंगे आज, और हो ही जाए आज कपड़े सूख जाएं, क्योंकि आज बहुत लोग कपड़े धुलेंगे, संडे की छुट्टी है तो। और जिनके कल भी धुले उनके भी सूख जाएंगे आज, थोड़ी धूप हो जाएगी तो। चलिए अभी पी लेते हैं थोड़ी चाय, फिर उसके बाद अपने घर का काम करेंगे, और झाड़ू पोछा सब, खाना पीना तो बाद में, पहले नहा धोकर पूजा करनी है, खाना उसके बाद बनाऊंगी सब्जी। ये सन्ना, ये तो एक कहीं धरी होएगी। अच्छा नहीं, ये सारे में धो लेते। चलो, चाय को गैस बंद कर दीजो। सभी मैं नहा ली हूँ, ये नहाली तू, हम नहाली, हमें पता नहीं। नहाना धोना हो गया हमारा सबका, आज आधी भी नहा लिया मेरा, ये देखो। और पूजा भी हो गई है, सन्ना ना नहाई, अभी सन्ना का पानी गर्म हो रहा है, नहाएगी। तो ये पापा बेटा उनके कुछ ढूंढल लग रहा है इधर, ढूंढ मचा रहे हैं। और अभी बनाएंगे, क्या बनाऊं जी, गोभी पराठे बना दूं? हैं, इधर कुताओ, ऐसा मत करे करो, बेइज्जती मत करवाए करो ब्लॉग में। पापा ने कही मुंह तो दिखा दो एक बार, नहा के तुम मलूक लग रहे हो या मैं? पापा जब एक मिनट, ये देखो जी इनकी फरमाइश आज गोभी पराठे की है ना। हाँ, कल बथुआ के पराठे खाए तो आज गोभी के पराठे, और अभी हम तैयारी करेंगे अपनी गोभी पराठे की। ये देखो, ये बाइक की चाबी के लिए घूमा पापा के पीछे, ऐसे लिया है ये भी कि बाइक की चाबी, तू क्या घूम रहा मेरा आगे आगे हैं? कलर बहुत गंदा लाया आप, कितने की लाएंगे? अभी बनाएंगे गोभी, घिसेंगे पहले। अरे पानी, ये आटे के लिए मैंने पानी गर्म कर लिया आटा, मानूंगी। ये मैंने गोभी अपनी धो ली है जी, ना ये दो गोभी मैंने धो ली है अभी। मैं बना रही हूँ पकौड़ी, पकौड़ी मेरी पकौड़ी, मैं ना हम ना आधी खाने का ना मैं खाने के, नहीं खाओगे तो फिर क्या बनाऊं? पकौड़ी, मैं हम तो पकौड़ी बना रहे हैं, ले आप मम्मी पापा ने बना दिया, हम बना पकौड़ी के।
अब यार इससे क्या छीलोगे तुम, मैं गोभी को इससे क्या छीलोगे, जिससे छीलूंगी। तो गाइस अब ये देखिए कि इनकी अलग अलग फरमाइश है, हम और बना रहे हैं हम बना देंगे। हाँ। ये बना लेंगे, बाल हो रहे, कलर या मेहंदी मांग रहे हैं जी। और मम्मी आदि अब तू खा लेगा, तू तो खाता नहीं, सोनूगा हाँ जो किसी फोड़ के चूरा कर रखा है। तो दीपक को टूटा हो, उसका भी टूटा पड़ा, उसकी की तो एक साइड की स्क्रीन ही गई हुई है, आधे फोन में स्क्रीन दी क्या, आधे में ना दिखती। तो बात बात कैसे होगा, कि कैसे पता नहीं। जल्दी कर दो गाइस, ये मैं घिस रही हूँ गोभी, और अभी घिस के गोभी और फिर बनाऊंगी पराठे। वहाँ के मैंने जर्सी पहनी नहीं है अभी, जल्दी जल्दी में इनके पापा बोल रहे भूख लग रही, मैंने चलो पहले गोभी घिस देती हूँ, जर्सी बाद में पहनेंगे, टाइम नहीं है जर्सी पहने। तो गाइस ये मेरी हो गई है गोभी की पिट्ठी तैयार, मतलब धनिया डालना है सिर्फ काट के, और हरा धनिया, और ये आटा लगा रही हूँ मैं। तो अभी आटा लगा के बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, गोभी के पराठे, और सन्ना कर रही है अपनी पकौड़ियों की तैयारी। पराठे तो अभय के पापा खाएंगे पराठे गोभी के, और अभय अब चाटा भी खाएगा सुबह सुबह, पराठे पकौड़ी बाद में, बहुत ऐप कर रहा हूँ क्योंकि फोन अभय के हाथ में ही है बिल्कुल। अबे मार दूंगी मैं, देख ले सोच ले फिर तू शुरू। तो गाइस ये मैं बना रही, जैसे मैंने बताया था गोभी पराठे, मैंने हरा धनिया डाल लिया है, तो मैंने पिट्ठी जैसे अपनी गोभी की तैयार की, तो उसमें मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक गोभी में अगर नमक पहले ही डाल दूँ तो वो उसमें पराठे में फटता है ज़्यादा, तो इसलिए मैं ऐसे पिट्ठी रख के इस पर गोभी से हल्का सा नमक ऐसे डाल देती हूँ, उससे स्वाद आ जाएगा इसमें, मतलब वही जो नमक का है, तो उससे गोभी का पराठा फट नहीं है। हमारे घर में चैलेंज हो रहा है कौन ज्यादा अच्छा बनाएगा। तो ये देखिए ये मेरा बन गया गोभी का पराठा, और फटा नहीं है। पापा जज़र रुक जाओ, मुझे भी मैं दिख रही हूँ कि पराठा ही दिख रहा हूँ, बस बनाने वाली भी दिखनी चाहिए। तो ये मैं इसमें नमक ऊपर से थोड़ा सा डाल रही हूँ, मतलब तो इससे ये गोभी का पराठा फटेगा नहीं, फटा ही नहीं। तो अभी बनाऊंगी और बाकी के, तो चलिए अभी दे देती हूँ अपने हस्बैंड जी को। तो ये पराठे अभी सना चाय दे, थोड़ी चटनी तो कल खत्म कर दी, आलू की सब्जी तो चलेगी। ये मेरी सन्ना बना रही है गोभी, प्याज, आलू और क्या है, हरा धनिया, मिर्च सब डाल के पकौड़ी, और ये इसकी पकौड़ी बन गई, और ये मेरे पराठे। आज सन्ना कह रही मम्मी देखते तू तुम पराठे अच्छे बनाती हो या मैं पकौड़ी, तो फिर चक्कर बताएंगे इनके पापा कौन सी चीज़ अच्छी बनी है। तो मम्मी बेटी में कंपटीशन कुछ नहीं है जी, कंपटीशन कुछ नहीं होता मम्मा बेटी में, पर आज बना रही हैं सन्ना, बोली मम्मी मैं पकौड़ी अच्छी बनाऊंगी, मैंने कहा चलो बेटा आप बनाओ पकौड़ी, और मैं बना रही हूँ अभी अपने पराठे। तो मैं इनके पापा को दे दिया है वैसे अभी बनाकर एक, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसमें पहले नमक नहीं डाला, नमक बाद में डाल रही हूँ मैं, तो उससे पराठे फट नहीं रहे इतने। बेटी जला मत दीजिए मुझे, दूर से मत फेंक, आराम से डाल, आराम हाँ फेंको मतलब, ले जा मेरे पापा पराठा, प्लेट ले ले, सन्ना ले पराठा ले जा, सन्ना पराठा ले जा। तो ये सन्ना देखिए पकौड़ी चखाने कि पापा पकौड़ी खाकर देखो मेरी पकौड़ी कैसी बनी है। अबे बर्तन ने क्यों बजा रहा है जॉन पूछ के, है ना। तो भी बना लेती हूँ जी, और मेरे पराठे बनकर हो गए हैं तैयार, और संजना की पकौड़ी। तो सन्ना बोल रही मम्मी क्यों नहीं होता चैलेंज, चैलेंज होता है मम्मी बेटी में कि खाना मम्मी अच्छी बनाएगी कि बेटी। तो भाई शक्ल से तो सन्ना की पकौड़ी अच्छी लग रही है देखने में, और पापा ने भी पास कर दी है सन्ना की पकौड़ी कि सन्ना ने अच्छी पकौड़ी बनाई है, करारी करारी। अब मैं कह रहा हूँ मुझे तो मिली नहीं है, क्योंकि पहले सन्ना ने पापा के लिए दिए, और अभी बन के तैयार होगी, अब अभी खाएगा अब मैं और सन्ना। आदि तो ना पकौड़ी खाएगा ना ये गोभी के पराठे खाएगा, क्योंकि उसके लिए बनेंगे सिंपल पराठे, वो तो पूरा पूछ आवाज़ बंद कर भाई। तो वो तो मतलब उसकी तो खाने की अलग बात है जी, उसके लिए तो सिंपल पराठे बनेंगे सन्ना। तो ये देखिए जी मेरे हो गए हैं ग्रीन चटनी, चटनी आज फिर बनी है, और ये रखे हैं मेरे और अभय के पराठे, तो अभी हम खाएंगे मम्मी बेटा।
गोभी के पराठे और सन्ना सन्ना लेकर आ रही है पकौड़ी। सन्ना आओ, कॉफी पराठे के साथ सन्ना पिएगी कॉफी। तो जी सन्ना की पकौड़ी दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको, तो सन्ना दिखाएगी खुद। ये है मेरी सन्ना की पकौड़ी, देखिए रंग भी अच्छा है वैसे, मतलब करारी है, अच्छी लग रही है देखने में भी और खाने में भी। तो इसमें है गोभी, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, आलू और बाकी मिर्च मसाले और बेसन सब कुछ है ही। तो ये इसने मिक्स बनाई है, पकौड़ी क्या है तो पकौड़े हो गए मिक्स करके छोटे छोटे काट के, तो इसने जब बनाए तो ये हो गए हैं जी पकौड़े। और अभी मैं चखूंगी और ये मेरा अभय के लग रही है कि मुझे दे दो मम्मी जल्दी से, और अभय खा रहा है बैठ के भी शुरू कर दिया अभय ने। ये रहन दीजिए गिलास, ये रहन दीजिए गिलास, ये रहन दीजिए, क्या लेगा? हाँ जी थोड़ी। तो गाय सभी उठ गए हैं, हम कम्बल में से बाहर आ गए हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, सभी कम्बल में घुस गए थे, सन्ना भी और मैं भी है। हाँ सन्ना ने मेरी ने बना दी शाम की चाय, ये पीजिए जी चाय। और अभी मैं तो जा रही हूँ बाहर घूमने के लिए, थोड़ा ठंड तो बहुत है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शीत लहर, तो इसीलिए मैंने ले लिया इतना बड़ा शॉल, जर्सी के बटन वटन जूता पहन के थोड़ा वॉक कर आएंगे, क्योंकि पराठे पकौड़ी न पचाएंगे। वाव सन्ना पापा तो ना बहन दी है, कब खिलाई है? मैं तो सोची तू ये भेज देने गई है। हाँ पापा ने खाई नहीं है, पापा को जरूरी है अभय नदी। ये देखो जी बेटी ने बाप के लिए पकौड़ी दुबका के रख रखी है, अब चाय के साथ देगी अपने पापा पकौड़ी दोपहर, मतलब सुबह जो बनाई पकौड़ी वो कटोरी में लग करके रख दी। मैं सोच रही है अभय देने जा रही है और अब लिकाड़ रही पापा चाय के साथ दूंगी। तो चलिए जी अभी थोड़ा घूम कर आते हैं, चाय तो थोड़ी बहुत लूंगी नहीं तो देखती हूँ। अभी खा पी कर थोड़ी देर के लिए लेट गए थे तो वही ऐसे लग रहा है पेट में, और दोपहर में ले भी ली थी, बिट्टू मम्मी आ गई थी थोड़ी सी चाय ले ली थी जब, तो चाय तो सर्दी में बनती रहती है खैर। पर अभी कर करेंगे थोड़ी वॉक और फिर आकर करेंगे अपने घर का काम। तो भी ये देखो पापा भी कम्बल में घुस रहे हैं, ये अब तो मैं भी लेऊंगी चाय जरूर। ये देखो हाँ ये देखो आ गई जी पापा के पास पकौड़ी, आवाज बंद कर। ये देख रहा चाय पिए बिल्कुल ठंडी करके, क्या रख दे ये देखो ये लग गए पकौड़ी खाने। कैसी बनी सन्ना पापा ये बताओ? हाँ जी पापा पराठे अच्छे बने, पकौड़े बस ये बता दो आज। हाँ बताना जरूरी है, बोलो जल्दी। बेटी की चीज पास हुई मम्मी की, बेटी तेज बोलो बेटी। ओ वाओ ये देखो जी बेटी की पकौड़ी पास हो गई है और मम्मी के पराठे नहीं, जो बथुआ के भी खिलाए और गोभी के भी खिलाए, तो हाँ आलू के, कल आलू और बथुआ के बने, आज गोभी के पराठे और पकौड़ी बनी। तो इतना खा खा के थोड़ा सा घूमिया सन्ना, हवा तो बड़ी तेज चल रही है बाहर, क्या करें। चलो जी देख कर आते हैं बाहर, थोड़ा सा ठंड लगेगी तो आ जाएंगे, नहीं तो तेज तेज चलेंगे थोड़ा घूम के। ये देखो हाँ अब आ गए जी हम वॉक करके, और सर्दी में ये देखिए हमारे घर कौन आया है सोनू। जय हिंद जय भारत। तो सब जाना है सोनू, सोनू आया ना कई बार आया ब्लॉग में, बताइए जी कमेंट करके जानते जाना है सब, मेरे भैया छोटा घर बड़ा फेमस आदमी, वायरल आदमी वायरल ही हो जा।
और ये घर में ढूंढते डोल रहे हैं। हाँ। तो कोई भी नो ये मिलो, मम्मी भी आई है मेरी, सोनू चल मम्मी इंतजार कर रही है, हम है ही ना घर, तो मम्मी भी आई है मेरी, मम्मी आई है नानी है देख के, मम्मी अपनी मम्मी है देख कर आई, मेरी नानी है देख के बीमार ही, अभी मेरी नानी जिंदी है, ये देखो मेरी मम्मी की मम्मी, मम्मी देखो अपनी मम्मी, हाँ मम्मी अपनी मम्मी देखने गई। गाइस मम्मी और सोनू चले गए हैं अभी घर पर अपने, तो मतलब खाना वाना खिला दिया मैंने, 9 बज रहे हैं तो भी गए हैं, बस छोड़ कर आई हूँ मम्मी को, और अभी इनके पापा के लिए खाना बना रही हूँ। तो मैंने बनाई थी आज पनीर की भुजिया और दाल, तो मैंने दाल तो पहले ही बना ली थी, मतलब कि मैंने सोचा दाल रोटी बनाएंगे फिर पनीर मंगा कर और पनीर की भुजिया बना दी, वैसे तो सोनू मना कर रहा कि नाना दाल से ही खा लेंगे, पर मैंने कि चलो, तो अभी खाना है मेरा तैयार और अब खाएंगे इनके पापा। ये देखिए ये पनीर की भुजिया और दाल और रोटी, तो ये चुपड़ी रोटी नहीं खाते इसलिए ये मैंने चुपड़ी नहीं है जी, ये देखो जी मेरी प्लेट इनकी, तो ये नहीं खाते चुपड़ी रोटी। खा लो जी जवाई को जब मिलती है जब वो आप नहीं घर जाओगे। हाँ। तो वो हमारे जो मुझे देगी मम्मी भेंट उसमें से आधे आधे कर लेंगे, ये रोटी देगा पापा। तो अभी अभय ने खा ली है, अभय कैसी लगी पनीर की भुजिया है, कैसी बनाई सन्ना ने पनीर की भुजिया बनाई थी जी सन्ना ने, और दाल बनाई मैंने, पनीर की भुजिया बनाई सन्ना ने, रोटी बनाई। अभी सारा काम हो गया मेरा, खाना पीना और बच्चे मेरे घुस गए कम्बल में, ये देखिए, और पापा अभी लेट गए, इनके सब का हो गया है जी, सब काम फ्री और दूध रोटी सब से फ्री हैं अभी हम, तो बैठ भी लिए बातें भी कर ली। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ही ज़्यादा ही जरूरी जरूर करें सब्सक्राइब, जो कि सब्सक्राइब तो क्या ही बोलूं मैं आपसे, सोए हुए इंसान को उठा कर रख दिया, सब्सक्राइब तो बढ़ ही नहीं रहे हैं जी, क्या करें, निराशा से तो होती है, थोड़ी सी मेहनत करते हैं इतने और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, तो चलिए जी बोल तो देते ही हैं आपसे कि आप सब्सक्राइब करो जरूर, तो बाय, थैंक यू।